Zora, will you marry me? वैसे क्या देख रहे हो? उठो। और तो क्या, करना क्या है? नमाज पढ़नी है। 5 दिन बाद हमारी फ्लाइट है। क्या सरप्राइज? इसे सरप्राइज नहीं, शौक कहते हैं। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने पहले? तुम रो रही हो? ज़ैन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी। ऐसी कौन सी कयामत आ रही है जो तुम इतनी जल्दी मचा रही हो? 4-5 दिन रुक जाओ, जोया की अम्मी जाने वाली हैं, उसके बाद उससे खीर पकवा लेना तुम। और कल से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। मेरी ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, मुझे ऑफिस जाना होगा और तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पहला। थैंक यू ज़ैन। किस लिए? मेरी पढ़ाई के शौक को सपोर्ट करने के लिए। ये सपोर्ट पूरी जिंदगी भर रहेगा, और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं। जो तुम चाहोगी, जो तुम कहोगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। बस और कुछ नहीं चाहिए। आओ बैठो, नाश्ता करो। और जोया, ये बैग किस लिए? वो अम्मी, मेरी यूनिवर्सिटी का आज पहला दिन है ना। मतलब? मैं समझी नहीं। वो मैंने MBA में एडमिशन लिया है ना, तो बस उसी के लिए जा रही हूँ। माशाल्लाह। ये ले जी, आ गया आपकी यूनिवर्सिटी। तुमने घर वालों को मेरी पढ़ाई के बारे में नहीं बताया था? नहीं। क्यों? जानबूझकर थोड़ी नहीं बताया था, वो ख्याल ही नहीं आ रहा। इतनी अहम बात बताने का तुम्हें ख्याल नहीं रहा? जोया, बात अहम हमारे लिए है, उनके लिए थोड़ी। रिएक्शन देखा था तुमने घर वालों का? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए ज़ैन, वैसे भी मैं कोई टेंशन लेने के मूड में नहीं हूँ। मेरे होते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। नहीं हो? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर मास्टर प्रोग्राम। तो इतना देर से क्यों आई हो? नहीं, अभी है क्लास शुरू होने में 5 मिनट, मैं टाइम पे आई हूँ। आप लोग हंस क्यों रहे? ओ हेलो, सवाल तुम नहीं हम करेंगे। गाना वाना आता है क्या? ऊंचा सुनती हो? गाना, सिंगिंग? नहीं, गाना तो गाना पड़ेगा भाई, वरना हम क्लास में जाने नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? मैंने सुना कोई सिंगिंग विंगिंग की बातचीत चल रही थी। आप कौन? कौन से ईयर में हो बेटा? सेकंड ईयर। डीन से बड़े अच्छे तालुक कहाँ थे? पर्सनल। एक डायरेक्ट कॉल अगर गई ना और पता चला कि नए स्टूडेंट की रैगिंग हो रही है, तो बेटा खाली गाना नहीं, पूरा कॉन्सर्ट गवाएंगे आपसे। कहेंगे चल। डीन का नाम क्या है? पता नहीं।
ये सब क्या था? बोला था ना तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जाओ, लेट हो गया क्लास के। मैं तुम्हें 4 बजे पिक कर लूंगा। सेन? हाँ? कुछ नहीं। आइए अम्मा, आइए बैठिए आप। फौजिया आइए। अरे बेटा, इतनी बार तुमसे कहा है कि अपना खून जलाने से कुछ नहीं होगा। मगर अम्मा जान, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। चलो जैन आ जाए शाम को, उससे बैठ के बात करेंगे। मुझे तो रह कर ना जोया की अम्मा और बहन पे इतना गुस्सा आ रहा है। कैसी मीसड़ी औरतें, मुंह से धुआं तक नहीं निकाला कि लड़की आगे पढ़ना चाहती है। हैरत है मुझे तो। अरे अम्मा जान, हम तो लिहाज और मुरव्वत में ही मारे गए, वरना लड़के वाले तो लड़की वालों को अलिफ की तरह सीधा रखते हैं। हम ही बेवकूफ हैं, डील दे दी, ना जहेज लेंगे ना कोई रसम करेंगे। अरे भाई, वो तो अपनाइयत में कहा था। तो देख लीजिए ना अपनाइयत का नतीजा, हम अपनाइयत दिखाते रहे और वो अपना उल्लू सीधा करके चलते बने। वैसे मेरा तो मशवरा है भाभी, अगर बहू पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दें। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि आपके मशवरे की हमें जरूरत होगी? अरे मेरे ख्याल से गलती जहन की है, उसे अगर सब पता था तो उसने घर वालों को बताया क्यों नहीं? अरे फुरकान भाई, वो भूल गया होगा, सेटिंग बना रहा होगा, बच्चा इस जहन से निकल गया होगा। अम्मा जान, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो शाहिद है ना, इसको सब कुछ पता था पहले से और ये अब अनजान बनने की अदाकारी कर रहा है। अल्लाह माफ करे भाभी, चाहे जिसकी कसम ले लें, मैं ऐसी गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। अच्छा बस बस, अब बात खत्म करो। शाम को जैन और जोया आएंगे, उन दोनों को बिठा के बात करेंगे। ठीक। अरे आपका आया। नहीं, आती नहीं सकता मैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इस घर के दामाद हो तुम तो। अरे तो सब कहेंगे कि दामाद को बावर्ची बना दिया। अम्मा, फाजिया भाभी का चिड़चिड़ापन इसलिए है क्योंकि किचन में उनका हाथ बटाने वाला कोई नहीं, और जब आप एक घर में रहते हैं ना तो कोई दामाद वामाद नहीं होता, सबको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, सेटिंग बनानी पड़ती है। भाई ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, लेकिन नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूं इस बात से कि तुम बावर्ची खाने में जाओ। फिर एक और आइडिया है मेरे पास। बोलो। क्यों ना एक बावर्ची रख लिया जाए, इस तरह से फौजिया भाभी के कंधों से बोझ भी कम हो जाएगा और जोया की पढ़ाई भी जड़ती रहेगी। ये मशवरा तुम फुरकानुद्दीन को दो। फुरकानुद्दीन तो मैं बोलूंगा। अच्छा अम्मा, आप ये तो देखे ना। अरे भाई, अच्छा अब ये अम्मा, ये वाला जो चैनल है ये सबसे बेस्ट है। बड़े अरमानों से सारा सामान सजा के रखा था कि बहू बेगम खीर बनाएंगी, लेकिन नहीं, उनको तो तालीम के मैदान में झंडे गाड़ने गाड़ लें। अस्सलाम वालेकुम अम्मानी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मानी बहुत भूख लग रही है, आज तो स्कूल लंच भी नहीं लेकर दिया, जल्दी से खाना देते हैं। हाँ बेटा, इसीलिए रह गई है तुम्हारी अम्मानी कि घर वालों के खाने का इंतजाम करें। अभी तुम आए हो, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी अम्मा आ जाएंगी, फिर देखना जैन आ जाएगा, खाना दे दें जल्दी से। और अब तो माशाल्लाह से उनकी बेगम भी खाने वालों में शामिल हो गई हैं। अम्मानी मुझमें और उन सब में बहुत फर्क है। अच्छा क्या फर्क है भाई? वो लोग खा पी कर भूल जाते हैं, मैं याद रखता हूँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपके बनाए हुए खाने खाकर ही तो मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी अम्मा को काढ़ा बनाना ही नहीं आता था। पता है जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारा दूध दलिया खीर सब कुछ मैं बना के देती थी। इन घर वालों पे मेरे बहुत सारे एहसान आते, मगर कोई मानने को तैयार नहीं। नानी तो अक्सर कहती है। अच्छा क्या कहती है नानी? वही कि फौजिया ने सारा घर संभाला हुआ है। अरे कब कहा नानी ने, किससे कहा? मैंने तो कभी नहीं सुना। मानी तारीफ वो होती है जो पीठ पीछे की जाए। बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगे तुम। चलो 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 कपड़े बदलो, जल्दी से खाना लगा दो। हाउला
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा फर्स्ट यूनिवर्सिटी का? अच्छा था लेकिन बहुत थक गई हूँ। जाहिर है। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सब कहाँ है? अम्मा जान के कमरे में है, जाइए आप जाके भी चक्कर लगा लें और तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। थैंक यू। आपको कोई मसला हुआ? मसला तुम ही ने खड़ा किया है, अब जाओ जाके खुद ही संभालो। मैंने क्या किया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि जोया आगे पढ़ना चाहती है? अल्लाह की पना, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो किसी और से क्या गिला शिकवा किया जाए। अम्मी, जोया पढ़ी तो रही है, कोई कौन सा कोई गुनाह कर रही है? बेटा गुनाह वाली कोई बात नहीं है, लेकिन पहले बता देते। आप बता दिया ना। देख रहे हैं आप, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बातें भी सुना रहा है। अरे भाई अब ये दूसरी बातें छोड़ो, जिस बात के लिए बुलाया है वो तो कर लो पहले। चलें ठीक है, वही बात कर लेते हैं ना। पूछिए इससे, जोया कब से काम करेगी किचन में? मैं, जोया को पढ़ाई का शौक है। वो तो मुझे भी था, लेकिन ससुराल आके सारे अरमानों पे मैंने अपने पानी फेर दिया, क्योंकि किचन संभालना था मुझे। आप उसे एक सेमेस्टर तो कर लेने दें, फिर फैसला कर लेंगे कि क्या करना है। मुझे तुम ये बताओ बेटा कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो हल्की फुल्की मदद नहीं कर सकती तुम्हारी माँ की पोर्शे खाने में? दादी वो MBA कर रही है, MBA बहुत मुश्किल होता है। अम्मा जान देखिए इसका तरीका, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहता ही नहीं है कि जोया काम करे। भाभी वो ठीक कह रहा है, MBA की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए थोड़ी सेटिंग तो बनानी पड़ती है। आपने किया MBA? कल से मैं सिवाय अम्मा के किसी को नाश्ता खाना पानी नहीं दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे बनती है यहाँ सबकी सेटिंग। अरे फौजिया कहाँ जा रही हो, बैठो ना, बात तो पूरी होने दो। जी नहीं, आप लोग सब सुन लीजिए, आज से किचन का बायकॉट है बस। ये क्या हुआ? मैं चेंज करके आता हूँ। पूछोगे नहीं मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा रहा? ओह हाँ, कैसा था यूनिवर्सिटी का पहला दिन? बहुत हेक्टिक था लेकिन मजा आया। मार्केटिंग और मैनेजमेंट की क्लास तो बहुत अच्छी गई, लेकिन इकोनॉमिक्स सर मुझे समझ नहीं आया। कल प्रेजेंटेशन है लेकिन वो मैं दे दूंगी, वो मुझे देनी आती है। अंडा फ्राई करना आता है क्या? अंडा अंडा फ्राई करना आता है आपको? क्यों? वो अम्मी ने नाश्ता बनाने से मना कर दिया। शुरू हो गए शादी के बाद वाले मसाले? नहीं नहीं वो तुम्हारा मसला नहीं होगा, चाय तो बनानी आती है मुझे। वो बस अंडा फ्राई करते वक्त जो तेल की छींटे निकलते हैं उनसे थोड़ा डर लगता है। मैं किचन में कदम नहीं रखूंगी, ये बात शादी से पहले तय हो चुकी थी। लेकिन नाश्ता कैसे बनेगा? वो तुम्हारा मसला है यार। नाश्ता तो सबका मसला होता है। तो भी सिर्फ तुम्हारा मसला। इस उदासी की वजह पूछ सकता हूँ? इतने मासूम नहीं आप, क्या आपको पता नहीं घर पे क्या चल रहा है? एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुसीबत के वक्त इंसान को अपना लहजा नरम रखना चाहिए, क्योंकि अगर और अकड़ दिखाई तो सिचुएशन और भी बदतर हो सकती है। पिल्लू मेरा मूड बहुत खराब है, सब घर वालों का गुस्सा ना तुम पे निकल जाएगा, निकलो यहाँ से। सोचेगा भी मत, गलती खुद करते हैं और गुस्सा मुझ पे निकालेंगे। कौन सी गलती? आपको घर वालों को बातें बता देनी चाहिए थी। सरकार जोए की यूनिवर्सिटी जाने वाली बात मैंने छुपाई नहीं थी, भूल गया था, माफ कर दे। मैंने ये भी सुना है कि आप कह रहे हैं कि जोया भाभी किचन के काम फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कर करेंगी।
हाँ वो देख लेंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि घर वालों को असल बात बता दें। कौन सी असली वाली बात? वही जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी कि डिग्री पूरे होने तक जोया भाभी घर के काम नहीं करेंगी। कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तुम? जिस पे आपने साइन किया था। तुम्हें किसने बताया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर चीज पता है, यहाँ तक के सारी 10 शर्तें मुझे बाय हार्ट याद है, जुबानी याद है मुझे। सुनाऊं? पहली शर्त, जोया भाभी MBA करेंगी शादी के बाद। लफ्ज भी नहीं बोला। शोर को बताया तुमने? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं? क्या मतलब अभी तक तो नहीं? मतलब बाद में बताने का इरादा है? नहीं ज़ैन भाई, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के ताल्लुकात खराब हों, क्योंकि अगर हम दोनों के ताल्लुकात खराब हुए तो मजबूरन मुझे अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। अच्छा, और मजबूरन मुझे आपकी जुबान काटनी पड़ेगी। तो मैं लिख कर बता दूंगा, आपके सितारे पहले से ही गर्दिश में हैं, मुझसे पंगा मत लीजिए। मुझे धमकी दे रहे हो? समझा करें, सेटिंग बनानी पड़ेगी। कौन है? आ जाए। अरे तुम हो, मुझे लगा पता नहीं कौन है। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए, इस घर में ये तमीज सिर्फ मेरे अंदर ही है। तुम मेरे कमरे में बगैर नॉक किए भी आ सकते हो, और इस घर में ये रियायत सिर्फ तुम्हें। अच्छा एक बात बताए, आप मैच में कैसी थी? बहुत अच्छी, 100 out of 100 हर बार। और आप ये भी कह रही थी कि मैं आपको क्यूट लगता हूँ। हाँ, लेकिन इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन है? दरअसल मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, और अम्मी ने धमकी दी है कि अगर इस बार मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरी शामत आ जानी है। और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा दूँ? अरे वाह, आपका तो सिर्फ मैथ्स ही नहीं बल्कि कॉमन सेंस भी अच्छा है। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें मैथ्स। मतलब मैं डील डन समझू? हाँ, मुझे चूचू सा प्यारा सा भाई मिल जाएगा और तुम्हें मैथ्स की टीचर। नॉट अ बैड डील, राइट? थैंक्स। तेल कितना तेल डाला है? Thank you. Continue, please. फौजिया, तुम यहाँ बैठी हुई हो तो वो बावर्ची खाने में कौन काम कर रहा है? मुझे क्या पता, मैं तो बायकॉट कर दिया। नहीं, वो अंडा तलने की आवाज आ रही थी तो मैंने सोचा तुम होगी। अम्मा जान तो नहीं है? अम्मा जान को सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने नाश्ता दे दिया था और अब वो सो रही हैं। तो शायद ज़ेबुन निसा। बड़ी गलतफहमी है आपको अपनी बहन के बारे में। ज़ेबुन्निसा ना फाका कर सकती हैं, लेकिन हाथ हिला के कोई काम नहीं होता उनसे। बढ़िया ही। तो कहीं ज़ोया तो काम नहीं कर रही? हाँ, पता क्या हो सकता है, ज़ैन ने भेजा। हाँ तो जाओ ना, देखो तो जाओ जाओ। माशाल्लाह भाई, तुमने तो जोया कमाल कर दिया। वाह, कौन सा मंत्र पढ़ के भूखा है मुझे भी बताओ।
क्योंकि 25 साल में मैं अपने शौहर को इस तरह उंगलियों पे नहीं नचा सकी। वाह अम्मी प्लीज। अरे तुम तो अपने काम पे ध्यान दो, इसके बाद तुम्हें पराठे भी तो बनाने सीखने हैं ना। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं बेटा तुम रुको, मैं जा रही हूँ क्योंकि ये मंजर मुझसे मजीद देखा नहीं जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से अम्मी मुझे गलत समझ रही हैं। ताना बाना मोहब्बत का बनते रहे। मेरा बेटा इस वक्त किचन में खड़ा हुआ अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना रहा है। क्या वहाँ अम्मी नाराज है, यहाँ तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। ये तुम्हारा अपना खड़ा किया हुआ मसला, जब संभाल नहीं सकते तो वादा क्यों किया था। बीवी को बोलो आप ठीक कह रही है, माँ को बोलो आप ठीक कह रही हैं। ये भी लिखा है, मुझे भी डांट पड़ गई है उनसे। वो इस उम्र में आकर थोड़े बहुत नफ्सियाती मसाइल तो हो ही जाते हैं। मोहब्बत करना आसान है पर निभाना मुश्किल। लगता ना बाना मोहब्बत का बनते रहे।